बेहतरीन। जय जोहार, हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ सराईपाली रायपुर मार्ग में, महासमुंद से लगभग 40 किलोमीटर और पटेवा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पर स्थित मुगई माता मंदिर में। आप देख सकते हैं माता जी का स्वरूप कितना मनमोहक है। यह जो मंदिर है कुछ कारणों से खास है, वो क्या कारण है वो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ, उससे पहले माता जी के दर्शन करा देता हूँ आप लोगों को। जिला मुख्यालय महासमुंद से महज 35 किलोमीटर और पटेवा एवं झलप के बीच मुख्य राज्य मार्ग NH-53 पर पटेवा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बावनकेरा ग्राम के समीप मुगई माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। यहां दो मंदिर हैं, एक नीचे तथा दूसरा पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है, उन मंदिरों के नीचे गुफाएं हैं, उन्हीं गुफाओं में भालू रहते हैं और शाम होते ही नीचे मुगई माता मंदिर में प्रसाद लेने के लिए रोज भालू का परिवार आता है। भक्तजन भालू को नारियल, प्रसाद, माजा आदि अपने हाथों से खिलाते पिलाते हैं। यहाँ पर पर्वत के ऊपर चढ़कर आसपास के नजारों को देखने का अलग ही अनुभव होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। दोस्तों अभी चल रही है नवरात्रि और नवरात्रि के पावन पर्व पर अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं मुगई माता के। घर बैठे दर्शन कर सकते हैं आप माता के, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से इस साल हर जगह आना जाना जो है बंद हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं माता का मंदिर है और माता के मंदिर से लगा हुआ यह देख सकते हैं पाकर पेड़ का यह जड़ है और यह भी काफी विशाल है। माता के मंदिर के सामने में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यज्ञ कुंड है, यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के साथ साथ यहाँ पे मंगल कार्य भी किया जाता है, शादी जिनको करना होता है वो आके यहाँ शादी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ, यहाँ हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी बताएंगे यह जो मंदिर है क्यों खास है और यहाँ पे क्या अनोखी चीज होती है। मंदिर इसलिए खास है, शाम को यहाँ पे भालुओं का आना होता है, जिसमें पब्लिक जितने भी आते हैं, दर्शनार्थी जो आते हैं, वो सभी के हाथ से कोई फ्रूटी पिलाता है, कोई नारियल खिलाता है, कोई बिस्किट खिलाता है, कोई इलायची दाना खिला देता है, सबके हाथों से खाते पीते हैं। मंदिर में प्रांगण में मंदिर के प्रांगण में खेलते हैं, मेरे से गले लग जाते हैं। कोई भी दर्शनार्थी को आज तक खरोच नहीं आया। माँ भगवती का दया ऐसा है कि वो आते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर जैसे के तैसे चले जाते हैं। अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भालू आते कहाँ से हैं? भालू आते हैं ऊपर में जो गुफा वाला मंदिर है, वहाँ उसके नीचे गुफाएं हैं, ऊपर में और जो मंदिर है उसके नीचे गुफाएं हैं। गुफा से वो 3:30-3:30 निकल जाते हैं, 4:30-4 बजते यहाँ पे आ जाते हैं। जी जी, मतलब पहाड़ों से भालू आते हैं, आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है? आज तक कोई नुकसान नहीं किया। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों जैसा कि पंडित जी ने बताया, यहाँ पे हर रोज भालू आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। भालू एक ऐसा हिंसक जानवर है जिसका नाम सुन के ही रूह कांप जाती है, लेकिन वही हिंसक जानवर जंगलों से यहाँ पे आके साधारण एक पालतू जानवर की तरह हो जाता है और कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है आज तक। तो आपको हम भालू भी दिखाते हैं, भालू यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या करते हैं। यह जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर में भी माता का एक मंदिर है और मंदिर के साइड में है वहाँ पे गुफाएं हैं, उन्हीं गुफाओं में भालू रहते हैं। शाम को 4 से 5 बजे लगभग रोज आते हैं भालू। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भालू आने वाले हैं ऊपर पहाड़ों से, तो वीडियो में बने रहिए और दर्शन करिए भालुओं के और एंजॉय करिए आप भी हमारे साथ
भालुओं को देख के। देख सकते हैं आप पंडित जी कैसे इन भालू के बच्चों के साथ में खेल रहे हैं और भालू के बच्चे भी बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये खतरनाक जंगली भालू ना होकर कोई इंसानों के बच्चे हों। ये भालू के बच्चे आपस में किस तरह से खेल रहे हैं ये देख सकते हैं आप, और काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य है। इस तरह का दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो केवल सर्कस में देखा होगा, रियल लाइफ में अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि दो भालू के बच्चे इस तरह से आपस में खेलते हों और इंसानों के हाथों से प्रसाद ग्रहण करते हों, माजा पीते हों और क्रीम रोल खाते हों, नारियल खाते हों। और पंडित जी भी इनको अपने बच्चों की तरह ही देखिए कैसे पुचकार रहे हैं, दुलार रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपने दर्शन किया मुगई माता के मंदिर में भालू आते हैं, आपने भालू भी देखा किस तरह से बिहेव करते हैं यह भालू। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी, जय छत्तीसगढ़।